हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू क्लास 8 इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 2 द वर्ल्ड इन अ बॉल, एक दीवार पर संसार, दीवार के ऊपर संसार। इन लास्ट वीडियोस आई हैव टॉट यू अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर एंड आई हैव टॉट यू 2 पैराग्राफ्स। इन दिस वीडियो I have taught you third paragraph. In last video, I have taught you to here. And in this video, I will teach you from here. Okay. Now I maintain to this day that the female scorpion mean to her. Now means I maintain टू दिस डे, आज के दिन मैंने अपने आप को मेंटेन किया, डैट द फीमेल स्कॉर्पियो की फीमेल बिच्छू मेन टू हार्म की हानि भी पहुंचाता है, कि नुकसान पहुंचाता है। सी वॉज एजिटेटेड एंड ए ट्रिफल एन आउट एट विंग सट अप इन मैच बॉक्स फॉर अ लॉन्ग। यहां डूरेल ये बता रहे हैं सी वॉज एजिटेटेड, वो काफ़ी चिड़ी हुई होती है, चिड़ जाती है, कौन, फीमेल बिच्छू, एंड ट्रिपल एन आउट, और कुछ नाराज़ होती है, थोड़ा नाराज़ भी होती है, एड विंग शर्ट बंद रहने पर इन मैच बॉक्स फॉर अ लॉन्ग, इतने लंबे समय तक मैच बॉक्स में मतलब माचिस के डिब्बे में बंद रहने पर फीमेल जो स्कॉर्पियन है बिच्छू है वो चिड़चिड़ी हो जाती है और थोड़ी नाराज़ होती है। एंड सो सी सी द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू स्केप। लैरी ने क्या करा था, माचिस को उठाया था और माचिस को खोलती है, वो उन पेपर को माचिस पेपर जलाने के लिए माचिस खोलता है लैरी। सो सी सी द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू स्केप, सी मीन्स बिच्चू को ये मौका मिलता है, सी द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, उसको पहला मौका मिलता है, अवसर मिलता है टू स्केप, बचने का। भी इतनी देर बाद, काफ़ी देर बाद माचिस की डिब्बी खुलती है तो बिच्छू को वहाँ से भागने का मौका मिलता है। सी होस्टेड हरसेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स विद ग्रेट रैपिडली, हर वेबीज क्लिंगिंग ऑन डेस्परेटली एंड स्केटल्ड ऑन द बैक ऑफ लैरीज हैंड। सी होस्टेड हरसेल्फ, हॉस्टेड मतलब उछलती है, एकदम कूदती है, हरसेल अपने आप कूदती है आउट ऑफ द बॉक्स विद ग्रेट रैपिडली, भी काफ़ी तेज़ी से वो माचिस के डब्बे में से, माचिस के बॉक्स में से एकदम कूदती है, बाहर आती है, छलांग लगाती है। हर बेबी उसके बच्चे किलिंग जो चिपके हुए थे ऑन किलिंग जो ऊपर उसके ऊपर चिपके हुए थे डेस्परेटली, मैंने बेहताशा से, हताशा होकर, बेचैनी से होकर, एंड स्केटल बिखर जाते हैं ऑन द बैक ऑफ द लैरीज हैंड, लैरी के हाथ के पीछे बिखर जाते हैं, उन पर चिपक जाते हैं। जैसे बिच्छू, माता बिच्छू माचिस के डब्बे से मौके मिलते ही छलांग मारती है, बाहर निकलती है तेजी से, तो उसके पीठ पर बिच्छू के छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए थे वो उससे अलग हो जाते हैं और लैरी के हाथ के पीछे बैक साइड पर गिर जाते हैं, चिपकते हैं, मैंने गिरते हैं एकदम तेजी से। दे आर नॉट क्वाइट सर्टेन व्हाट टू डू नेक्स्ट, सी पॉज्ड हर स्टिंग कर्व एट द रेडी। दे आर नो क्वाइट सर्टेन, अब कोई निश्चित नहीं हुआ, दे आर नॉट क्वाइट सर्टेन कि ये निश्चित नहीं है, व्हाट टू डू नेक्स्ट कि अब आगे क्या करें, ये निश्चित नहीं है कि वो आगे क्या करें। सी पॉज्ड में रुकती है हर स्टिंग में, अपने डंको को रोकती है, सी पॉस्ट हर स्टिंग में अपने डंक को रोकती है, कर्ड जो मोड़ लेती है, कर्ड अप जो मोड़ लेती है एड रेडी, और जो तैयार कर लेती है मारने के लिए। माता बिच्छू अब उसको समझ नहीं आ रही वो एकदम क्या करें, वो एकदम अपने डंक को रोकती है और एकदम उसको मोड़ के तैयार कर लेती है मारने के लिए। लैरी फीलिंग अ मोमेंट ऑफ हर क्लॉज ग्लांस डाउन टू सी व्हाट इट वॉज एंड फ्रॉम डैट मोमेंट थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज।
लॉरी फीलिंग द मोमेंट, लॉरी लैरी जो है इस मोमेंट को फील करता है, ऑफ हर क्लॉज, उसके पंजे, जो उसके पंजे हैं जो उसके हाथ पे चुभ रहे हैं उनको फील करता है, उसको एहसास होता है कि कुछ चुभ रहा है। एंड ग्लांस डाउन टू सी व्हाट इट वॉज, और जैसे वो नीचे देखता है एकदम दृष्टि डालता है कि ये क्या है, नीचे क्या बच्चे गिर जाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे वो नीचे गिर जाते हैं। एंड फ्रॉम द मोमेंट, एंड फ्रॉम डैट मोमेंट थिंग्स गॉट इंक्रीजली कन्फ्यूज, और फ्रॉम डैट मोमेंट उस क्षण से थिंग्स कुछ चीज़ें गॉट इंक्रीजली बढ़ती गई एंड कन्फ्यूज और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए, उन सब चीज़ को देखेगा और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए, थिंग्स गॉट इंक्रीजली कन्फ्यूज, ये सभी चीज़ें समय था मौसम उस चीज़ के दौरान की सभी चीज़ें कन्फ्यूज हो गए, घबरा से गए, जैसे बिच्छू माचिस से बाहर आया जोर से तो उसकी पीठ में बच्चे थे वो तो नीचे गिर जाते हैं, और बिच्छू जो मादा बिच्छू तो वो मादा बिच्छू लैरी के पीछे हाथ पे चिपक जाती है, उसके पंजे उसके हाथ पे चुपते हैं और वो डंक अपना रेडी कर लेती है मारने के लिए। जैसे लैरी ये महसूस करती है ये क्या है, और जैसे उसकी निगाह नीचे जाती है तो बहुत छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, तो एकदम वो लैरी कन्फ्यूज हो जाता है, डर जाता है। He uttered a roar of fright that made Lugared Geo drop a plate and brought Roger out from beneath the table. He uttered a roar of fright. बट डर से चिल्लाता दहाड़े लगता है कौन Larry. That made a Lugared Geo drop a plate. जैसे ही वो जोर से चिल्लाता है तो लुगरेड जो के हाथ में एक प्लेट है वो प्लेट को नीचे गिरा देता है। एंड ब्राउड लाता है तो रोजर में इस कुत्ते को बुला के लेके आता है आउट फ्रॉम द विद टेबल के नीचे से, जो मेज के नीचे कुत्ता बैठा हुआ था उसको बुलाता है बार्किंग वाइडली, और वो तेजी से मुंह फैलाते हुए भौंकते हुए आता है कुत्ता। With a flick of his hand, he sent the unfortunate Scorpio flying down the table. और वो अपने हाथ को with a flick of his hand, अपने हाथ को झटका मारता He sent the unfortunate Scorpio. स्कॉर्पियो बिच्छू को flying down the table, टेबल के नीचे फेंक देता है। उसके हाथ बिच्छू बैठा हुआ है किसके लैरी के, लैरी डर जाता है बहुत ज़्यादा और दहाड़ने लगता है। अब वो तेज़ी से अपने हाथ को डर से झटका मारता है तो बिच्छू उड़ के टेबल के नीचे पहुंच जाता है। एंड सी लैंडेड मिडवे बिटवीन द मार्गो एंड लेसली, और वो सी लैंडर में गिरता है मिडवे बीच में, मिडवे बिटवीन मार्गो एंड लेसली, वो मार्गो और लेसली जो व्यक्ति है उन दोनों के बीच में जाके गिर जाता है। स्क्रैटिंग बेबीज लाइक के कन्फेटी एज सी थम्प्ड ऑन द क्लॉथ, स्केटरिंग जो बिखरे हुए थे, स्केटरिंग बेबीज जो बिखरे हुए बच्चे थे लाइक के कन्फेटी, कन्फेटी मतलब जैसे कोई रंग बिरंगे कागज के टुकड़े हो ऐसे बिखरे हुए लग रहे थे। एज सी थम्प्ड ऑन द क्लॉथ, और बिच्छू जो थी मादा बिच्छू थी वो एक कपड़े पे जाके चिपक जाते गिरती है दांत कपड़े पे गिरती है ठीक है। ऐसी थम्प्ड ऑन द क्लॉथ, जैसे ही वो कपड़े पे गिरती है और जो उसके नीचे ज़मीन पे जो बच्चे गिरे हुए हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे कि रंग बिरंगे कागज़ के टुकड़े हों। ऐसी थम्प्ड ऑन द क्लॉथ, वो जैसे कपड़े पे गिरती है और उसके बच्चे जो हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि रंग बिरंगे कोई कपड़े के टुकड़े कागज़ के टुकड़े हों। Strongly enraged at this treatment, the creature sprayed towards the Leslie, her sting quivering with emotion. Strongly पूर्ण रूप से enraged क्रोधित हो जाती है at this treatment, और इस treatment पर इस व्यवहार पर वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। The creature sprayed towards the Leslie. लेसली द क्रिएचर, वो प्राणी स्पीड आगे बढ़ता है, स्पीड टूवर्ड्स आगे बढ़ता है
लेजली में लेजली की तरफ, टुवर्ड्स द लेजली, लेजली की तरफ आगे बढ़ता है। मैं जैसे उसको जोर से फेंका है माचिस के, पहले तो वो माचिस से डिब्बे से निकली, फिर उसको जोर से झटका मारता है, वो एक कपड़े पर जाके गिरती है, तो वहाँ जाके बिच्छू को और ज़्यादा क्रोध आता है और वो लेजली की तरफ बढ़ने लगती है। एंड फ्लिक्ड आउट डेस्परेटली विथ हर स्टिंग क्यूरिंग चुपता विद द इमोशन, और वो अपने स्टिंग डंक को चुबाने के लिए तैयार रहती है। लेजली लीप टू हिज फीट, लेजली लीप टू हिज फीट, लेजली अपने पैरों पर कूदता है, ओवर टर्निंग हिज चेयर, और अपनी कुर्सी को घुमाता है। एंड पिक्ड आउट द डेस्परेटली विद हिज नैपकिन, और वो अपने चेयर को घुमाकर एंड फ्लिक्ड आउट झटका मारता है डेस्परेटली विद हिज नैपकिन, अपने रुमाल को जोर से झटका मारता है। सेंडिंग द स्कॉर्पियो रोलिंग अक्रॉस द क्लॉथ टूवर्ड द मार, और उस कपड़े से लपेटते हुए बंडल बनते हुए सेंडिंग द स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो को भेज देता है रोल लुड़काते हुए अक्रॉस द क्लॉथ टूवर्ड द मार्गो, और जैसे ही वो अपने रूमाल को जोर से झटका मारता तो उस रूमाल के साथ साथ कपड़े लपेट कर एक रोलिंग बनकर बिच्छू मार्गो की तरफ चला जाता है। हु प्रॉम्प्टली लेट आउट द स्क्रीम डेट एनी वे इंजन डेट एनी रेलवे इंजन वुड हैव बीन प्राउड टू प्रोड्यूस। बिच्छू कहाँ पहुँचता है, पहले लेजली के पास रूमाल में पहुँच जाता है, उसके कपड़े पहुँच जाता है, वो डर जाता है और कपड़े को झटका मारता है नैपकिन को, तो उस कपड़े के साथ साथ बिच्छू मार्गो के पास चला जाता है। हुम इज सो प्रॉम्प्टली, तेजी से एकदम लेट आउट स्क्रीम में चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है डेट एनी रेलवे डेट कि एनी रेलवे इंजन वुड हैव बीन प्राउड टू प्रोड्यूस, जैसे कोई रेलवे इंजन गाड़ी को चलाने की शुरुआत कर रहा हो, मतलब कुछ उत्पन्न कर रहा हो, चलने वाला हो बहुत काफ़ी देर से, हॉर्न जैसे देता ना एकदम भागने वाला हो, एकदम वो एकदम चीखने लगता है जैसे कोई इंजन की तेजी से आवाज़ आ रही हो। तो ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो इट्स इनफ, फ्रॉम हेयर आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज दिस एंड राइट एवरी हार्ड वर्ड इन योर नोटबुक। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।